मेरी यात्रा पिछले 12 वर्ष से चलती आ रही है और हमने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं बिना चप्पल के संघर्ष करता रहूंगा। कितने साल से आप चल रहे हैं? ये 12 साल का अंतराल हो गया है और इस यात्रा के अंतराल में और एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत हुई 7 सितंबर 2022 से राहुल जी के नेतृत्व में, देश के जननायक के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की। कितने किलोमीटर चले हो आप बगैर जूते? अभी हम 3800 कुछ किलोमीटर चल चुके हैं श्रीनगर में। आप तो कह रहे हैं 12 साल से आप बगैर जूते? 12 साल से राहुल जी की सेवा में चल रहे हैं, संघर्ष जारी है, आप सबकी मोहब्बत मिलती है, ये सब होता जा रहा है। जब तक वो वजीर आजम नहीं बनेंगे तब तक आप बगैर जूते चलोगे? मैं सेवा को जारी रखूंगा, मैं 12 साल से करता रहा हूँ। सेवा है, ये सेवा भाव से कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की तपस्या में और छोटी सी आवन में आहुति डाल रहे हैं और ये हिंदुस्तान में जो नफरत का माहौल इन्होंने पैदा किया था, किन्होंने किया है ये आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, उन्होंने क्या किया? आते ही हिंदुस्तान में भाई से भाई को लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया और देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया। लेकिन इस नफरत के माहौल में राहुल जी ने सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत की, भारत जोड़ो यात्रा। इसमें आप राहुल जी ने क्या संदेश दिया? डरो मत, नफरत अगर आपके दिल में नहीं होगी आपको डर नहीं लगेगा, आप एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। और आज पूरा हिंदुस्तान जुड़ के इस श्रीनगर में हिंदुस्तान के ताज पे हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। आपको इस बात की खुशी होगी कि यात्रा हर धर्म को जोड़ के चली, हर भाई को जोड़ के चली, हर जाति को जोड़ के चली और पूरा हिंदुस्तान राहुल जी के नेतृत्व में एक गुलदस्ते की तरह मुस्कुरा रहा है।